हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग टेबल डिज़ाइनिंग देखेंगे। बोर्ड के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या तो टेबल डिज़ाइनिंग वो आपसे के लिए बोलते हैं, तो टेबल आपको डिज़ाइन करके दिखानी होती है HTML में। तो सबसे पहले चलते हैं नोट पैड में, देखते हैं कि टेबल कैसे डिज़ाइन करनी है। तो नोट पैड में चलते हैं, और नोट पैड ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं HTML। बॉडी लिख लेते हैं, बॉडी क्लोज। और टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग जो यहाँ पर टैग यूज करेंगे वो होगा हमारा टेबल टैग, जो कि कंटेनर टैग है, तो इसको क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टेबल स्टार्ट कर तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। बट यहाँ पर टेबल में हम लोग रो और कॉलम क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले रो क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे TR टैग। तो यहाँ पर TR टैग भी, क्योंकि कंटेनर टैग है, तो TR एक फर्स्ट रो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। और फर्स्ट रो के बाद मैं यहाँ पर उसके अंदर पहला टेबल डेटा लिखूंगा। तो यहाँ पर जितने भी मैं TD टैग लगाऊंगा टेबल डेटा क्रिएट करने के लिए, उतने ही आपके कॉलम्स आपके टेबल में क्रिएट होते जाएंगे। तो ये पहला कॉलम मीन्स पहली रो का पहला डेटा, ये दूसरा डेटा, और तीन डेटा मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल 1 एज डेटा, 2 और यहाँ पर 3। और यहाँ पर सिर्फ इतना भी आउटपुट देखते हैं, तो सेव कर लेते हैं। और टेबल डॉट HTML के नाम से मैंने सेव कर दिया है डेस्कटॉप पर। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट। तो देखिए यहाँ पर अभी 1 2 3 आ रहा है, और यहाँ पर जो बाउंड्री होनी चाहिए, जो सेल के बॉर्डर होनी चाहिए, वो आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि टेबल का जो बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर होता है वो आपको 0 मिलता है, तो इसका बॉर्डर आपको सेट करना पड़ेगा। इसमें एक बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है टेबल टैग में, वो आपको मिनिमम सेट करना होगा 1। बाकी अगर आपको बॉर्डर की थिकनेस इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पर 2 3 4 कितनी भी वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, बट मिनिमम बॉर्डर जो होगा वो आपका 1 होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट रिफ्रेश करकर। तो देखिए ये आपको वो बॉर्डर शो करकर दे रहा है, और यहाँ पर पहली रो आपने क्रिएट किया, उस पहली रो में आपने तीन अपने टेबल डेटा आपने यहाँ पर सेट किए हैं TD टैग से। तो ये पहला डेटा है जो कि पहला कॉलम एक्चुअली क्रिएट कर रहा है, ये दूसरा डेटा है जो दूसरा कॉलम क्रिएट कर रहा है, और ये जो तीसरा डेटा आपने जिसमें 3 लिखा हुआ है, ये थर्ड कॉलम होगा आपकी फर्स्ट रो का। तो रो क्रिएट करने के लिए TR टैग है, और कॉलम क्रिएट करने के लिए मीन्स उसके अंदर जो डेटा आप लिखेंगे फर्स्ट रो के अंदर पहला दूसरा तीसरा डेटा, वो हम TD टैग से लिखते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर बनाते हैं सेकेंड रो, कॉपी पेस्ट, एक और पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपका कोड होगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट से हम लोग यहाँ पर दूसरी और तीसरी रो पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया 7, और यहाँ पे लिखा मैंने 8, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 9। तो चलिए इतने का आउटपुट देखते हैं कि अगर इतना लिखकर दूसरी और तीसरी रो में कैसा आपको दिखेगा। तो ये देखिए, ये आपकी दूसरी और तीसरी रो भी क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे आपके पास 3 रो है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3, दूसरी रो में 4 5 6 है, और थर्ड रो में यहाँ पर 7 8 और 9 एज अ कंटेंट लिखा हुआ है। तो पहली रो में 3 कॉलम है 1 2 और 3 के नाम से, दूसरी रो में जो 3 कॉलम है वो है 4 5 और 6, और तीसरी रो में 7 8 और 9 है। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जो कि बच्चों में रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल जो है वो आपको रो क्रिएट कर रहे हैं, और जो वर्टिकल है वो आपके कॉलम्स हैं। चलिए अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए बिल्कुल बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए अगर बात करूं, तो हम लोग जैसे बॉडी में BG कलर सेट करते हैं, वैसे आप टेबल में भी BG कलर सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BG कलर, और BG कलर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया सियान कलर। और अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए ये बॉडी सॉरी बॉडी का नहीं, इसका जो टेबल का जो BG कलर है बैकग्राउंड कलर, वो आपका सेट हो गया है एज सियान। और इसी के साथ मैं आपको बॉडी का भी BG कलर सेट करके दिखा देता हूँ। तो क्योंकि आप बॉडी में आप BG कलर लगा रहे हैं, तो वो बॉडी का BG कलर सेट करके दे देगा। तो मैं इसको येलो सेट कर देता हूँ, और अब देखिए जरा आउटपुट में वो आपको इस तरह से शो कर रहा है। तो जहाँ पे भी आप BG कलर लगाएंगे वो वहाँ पर BG कलर सेट करेगा, बट BG कलर उसकी जो है वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो टेबल में भी BG कलर है और बॉडी में भी BG कलर है, तो टेबल का BG कलर से आप सेट कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड कलर जो होगा वो टेबल का सेट हो गया।
इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो यूज बैकग्राउंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप अपने किसी भी इमेज का नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्टार डॉट जेपीजी। अब देखिए ये जो इमेज है वो आपकी उसी लोकेशन पर है जिस लोकेशन पर आपने इस पेज को सेव किया हुआ है। देखिए ये रहा मेरा पेज, और यहाँ पर ये मेरी स्टार नाम की एक इमेज है जो कि बहुत ही शॉर्ट साइज की इमेज है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत ही छोटी इमेज है, तो ये आपको बैकग्राउंड में अपीयर हो जाएगी। तो इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको इमेज दिख रही है, क्योंकि टेबल का साइज बहुत छोटा है तो अभी इमेज आपको कम्प्लीटली विजिबल नहीं हो रही है। बट आप यहाँ पर टेबल का साइज चेंज कर सकते हैं यूजिंग टू मोर प्रॉपर्टीज विड्थ एंड हाइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज किया widthH विड्थ इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 300 पिक्सल, और हाइट मैंने यहाँ पर यूज की है 300 पिक्सल। तो ये एक 300x300 पिक्सल की मैंने इमेज, तो यहाँ देखिए क्योंकि इमेज का साइज छोटा है तो ये रिपीट हो जाएगी, रिपीटेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और टेक्स्ट जो है वो भी आपको विजिबल हो रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि जो इमेज है वो आपको एक बार में दिखेगी। ठीक है, तो ये आपका टेबल बन गई। इसके बाद देखते हैं विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर देखते हैं अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया अलाइन, और अलाइन में बाय डिफॉल्ट जो है वो टेबल आपको दिख ही रही है कि वो लेफ्ट में अपीयर हो रही है। आप इसको राइट में या फिर सेंटर पर भी लेके जा सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कर दिया है राइट, तो यहाँ पर ये रिफ्रेश करने पर राइट पे अपीयर हो रही है पेज के। और अभी अगर आप यहाँ पे ऐसे कर देते हैं सेंटर, तो ये आपको सेंटर में अपीयर हो जाएगी। तो ये था आपका एक और एट्रीब्यूट अलाइन एट्रीब्यूट जो कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, और यू कैन टेक इट टू द राइट और टू द सेंटर ऑफ द वेब पेज। इसके बाद देखिए जो दो और प्रॉपर्टी हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि कैप्शन कैसे यूज करना है। तो कैप्शन जो है वो आपको कहाँ यूज करना होता है, तो वो जरा देखते हैं थोड़ा क्लियरली। देखिए यहाँ पर टैग जो है वो आपका टेबल टैग यहाँ से स्टार्ट होकर सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता हुआ, यहाँ पे मैंने इसका स्टार्ट टैग क्लोज कर दिया है। यहाँ पे आपका स्टार्ट टैग सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करके यहाँ पे मैंने इसको एंड किया है, और यहां से आपकी फर्स्ट रो शुरू हो रही है। तो फर्स्ट रो से पहले यहां पे आपको यूज करना है कैप्शन टैग। तो कैप्शन टैग लिखने के बाद मैंने यहां पर लिख दिया टेबल वन, और मैंने यहां पर कैप्शन को क्लोज कर दिया। तो कैप्शन जो होगा वो टेबल का नाम जो कि टेबल के सेंटर पे अपीयर होगा वो आपको यहां पर विजिबल हो जाएगा। तो रिफ्रेश करके देखते हैं, ये आपको टेबल के टॉप पर आपको विजिबल हो रहा है टेबल वन के नाम से। मोर ओवर यू कैन टेक इट टू द बॉटम साइड बाई यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट। आप यहाँ पे इसे अलाइन यूज कर आप बॉटम पर भी लेके जा सकते हैं। तो इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल इसके वैल्यूज होंगी अलाइन एट्रीब्यूट की, या तो आप इसे टॉप पर लेकर रख सकते हैं जो कि बाई डिफॉल्ट होता है, या फिर आप इसे बॉटम पर भी लेकर जा सकते हैं। चलिए तो अभी इसको टॉप पर ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा बेटर विजिबल हो रहा है। और अब चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पर टेबल की। तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं सेल स्पेसिंग। देखिए सेल स्पेसिंग से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आता है 10th के 10th स्टूडेंट्स में। तो 10th बोर्ड में या सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो यहां पर देखिए सेल स्पेसिंग क्या होता है, जरा इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर जो दो सेल्स के बीच का स्पेस आपको दिख रहा है, जो कि सेल्स हर एक सेल के चारों तरफ आपको ये विजिबल हो रहा है, तो द स्पेस बिटवीन टू सेल, टू एडजेसेंट सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। और जो सेल पैडिंग होती है वो होता है आपके सेल के कंटेंट और सेल की बाउंड्री के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है सेल पैडिंग। तो देखिए ये वाला जो पार्ट होता है वो सेल पैडिंग होती है, और ये वाला जो पार्ट होता है दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, दो सेल्स के बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल स्पेसिंग। तो ये सेल पैडिंग है और ये सेल स्पेसिंग है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल स्पेसिंग, और सेल स्पेसिंग मैंने यहाँ पे कर दिया 5। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेसिंग जो है थोड़ी बढ़ गई है। देखिए स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो सेल स्पेसिंग यहाँ पे मैंने इंक्रीज की है। और अब यहाँ पर चेंज करते हैं सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग में मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है 10, तो चारों तरफ से वो आपको 10 पिक्सल्स का जो गैप होगा वो आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे अभी तो क्योंकि वो लेफ्ट अलाइन है तो अभी आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, तो रिफ्रेश करके देखते हैं।
ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो है वो आपके चारों, तो देखिए अगर यहाँ पर देखें तो चारों तरफ से आपको यहाँ पर 10 पिक्सेल्स मिनिमम आपको यहाँ पर गैप दिख जाएगा। अगर आपका सेल का साइज इतना बड़ा नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली सेल का जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इस मीन्स जो टेबल का साइज होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अब आगे चलते हैं। दो और एट्रीब्यूट है यहाँ पर, एक है आपका यहाँ पर फ्रेम्स और एक है आपका रूल। तो सबसे पहले फ्रेम देखते हैं। तो देखिए फ्रेम जो है वो यहाँ पर अगर आपको टेबल के बॉर्डर में अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे आप फ्रेम यूज कर सकते हैं, और अगर आपको सेल बॉर्डर पे अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ पे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेम। तो फ्रेम में सबसे पहले लिखते हैं अबव, फ्रेम की सबसे पहली वैल्यू है अबव। तो अगर आपको सिर्फ अगर टॉप अगर आपको बाउंड्री चाहिए तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अबव। तो रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो अभी क्या है कि ये बाउंड्री जो है वो बहुत ही थिन आ रही है, तो एक काम करते हैं कि सेल का जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो मीन्स आपके जो टेबल का बॉर्डर है, तो मैं यहाँ पर टेबल बॉर्डर सेट कर देता हूँ। टेबल बॉर्डर के लिए यूज करेंगे बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है रेड। तो अब देखिए रिफ्रेश कर, ये देखिए रिफ्रेश कर, ये रेड कलर का जो है वो बॉर्डर आपको ऊपर थोड़ा थिन है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, किसी दूसरे ब्राउजर में चलते हैं और वहाँ पर शायद ये आपको बेटर विजिबल हो सकता है। तो ओपन विद, तो ये देखिए यहां पे बहुत बेटर विजिबल हो रहा है। तो यहां से देख लेते हैं, यहां पे इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए यहां पे टॉप में आपको बॉर्डर आपको विजिबल हो रहा है। तो यहां पे आपने अभी यूज किया है बॉर्डर में जो है आपने अबव यूज किया है, वैसे आप यहां पर यूज कर सकते हैं बिलो। तो देखिए मैंने ब्लो किया है, तो ये जो अबव जो लाइन आ रही थी वो आपकी अब बिलो में चली जाएगी। ये देखिए अब नीचे आ रहा है बिल्कुल। वैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एच साइड्स के नाम से। एच साइड्स में हॉरिजॉन्टल साइड्स दिखेंगे, यानी टॉप और बॉटम सिर्फ आपको विजिबल होगा, और अगर आप वी साइड्स करते हैं तो ये आपको वर्टिकल साइड्स शो कर देगा। ये देखिए, तो इट्स योर चॉइस कि आपको टेबल में किस तरह का बॉर्डर आपको सेट करना है, कौन सा आपको स्किप करना है। चलिए और देखते हैं। वी साइड के बाद अब यहां पर रख सकते हैं LHS, और LHS से में सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ आपको दिखेगा, और अगर आप यहां पे RHS रखते हैं तो वो आपको यहां पर राइट हैंड साइड का शो कर देगा। ये देखिए, तो ये आपके हैं कुछ वैल्यूज, आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको वॉइड करते हैं तो वॉइड में सारे ही चले जाएंगे, चारों ही आपको विजिबल नहीं होंगे, और अगर आप यहाँ पे कर देते हैं All, तो बाई डिफॉल्ट आपको चारों अपीयर हो जाएंगे। तो ये थे आपके टेबल के बॉर्डर की फॉर्मेटिंग। बिल्कुल वैसे आप सेल बॉर्डर में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यूजिंग रूल्स एट्रीब्यूट। तो रूल्स एट्रीब्यूट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर यूज करते हैं कॉल्स। तो सिर्फ आपको कॉलम्स ही विजिबल होंगे, देखिए किस तरह से, ये देखिए सिर्फ कॉलम आपको, दो लाइन सिर्फ आपको दिख रही है कॉलम कॉलम फॉर्म में। और अगर आप यहां पर लिख देते हैं रोज, तो वो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस शो कर देगा। ये देखिए, तो अपने टेबल को किस तरह से फॉर्मेटिंग आपको आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है, ये आपकी चॉइस है, जो भी आपको सही लग रहा है आप वो कर सकते हैं। तो रूल्स में जो है आप रोज और कॉलम सेट किए, इसी के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं नन। तो नन में देखिए चारों ही चले जाएंगे, आपको कोई भी नहीं दिखेगा। तो देखिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको अभी हम कर छोड़ देते हैं ऑल, तो ये आपको चारों ही बाय डिफॉल्ट शो कर देगा। ये देखिए, तो अभी जल्दी देखते हैं आगे की कुछ फॉर्मेटिंग। अब देखिए यहां पर करते हैं कुछ फॉर्मेटिंग जो कि टेबल रो में है। तो टेबल रो में हम लोग रो वाइज भी बीजी कलर सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा बीजी कलर, फर्स्ट रो का मैंने यहां पर सेट कर दिया ग्रीन। तो उससे पहले मुझे यहां पर बैकग्राउंड से मुझे हटाना पड़ेगा ये इमेज, जिससे कि वो मुझे डिस्प्ले हो जाए, वरना क्योंकि इमेज और अगर आपने दोनों चीजें अप्लाई की हुई हैं तो फिर वो
नहीं डिस्प्ले करने देगा आपको कलर, क्योंकि इमेज का साइज ज्यादा होता है तो वो इमेज ही डिस्प्ले करेगा। तो ये मैंने हटा दिया है, वो आपके बैकग्राउंड कलर में सियान आपको शो हो जाएगा, ये देखिए। और ग्रीन कलर जो है वो आपकी फर्स्ट रो में आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट रो में मैंने ग्रीन कलर कर दिया। बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पर सेकेंड रो में मैंने कुछ और कलर सेट कर दिया, कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया पिंक, और सेम ऐसा ही कुछ सेट कर देते हैं पेस्ट कर, और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है ग्रीन पिंक, और यहाँ पे कर देते हैं रेड, या कर देते हैं पर्पल। ठीक है, अब देखिए जरा इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से आपको आपकी जो टेबल का जो बैकग्राउंड है वो रो वाइज उसने चेंज कर दिया है। बिल्कुल वैसे आप यहाँ पर हर एक रो में आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज। तो मैंने आप लिखा बैकग्राउंड इक्वल्स टू स्टार डॉट जे पी जी। तो यहाँ देखिए स्टार जो इमेज होगी वो आपकी फर्स्ट वाली रो में आपको अपियर हो रही है, सेकेंड और थर्ड रो में आपको कलर्स ही अगेन फर्दर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये भी काम कर सकते हैं, हर एक इमेज में हर एक रो में आप अलग अलग या आप इमेज या फिर जो बैकग्राउंड कलर है वो आप सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पर सेल वाइज भी काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड रो के फर्स्ट सेल में जहाँ पे 4 लिखा हुआ है उसका मैंने बीजी कलर चेंज कर दिया, तो मैंने बीजी कलर यहाँ पे इसका सेट कर दिया है ब्लू। तो जरा देखिए एक सेल का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आपको यहाँ पर चेंज हुआ दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर सेल वाइज भी काम कर सकते हैं, टेबल वाइज भी काम कर सकते हैं, और रो वाइज भी काम कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और बिल्कुल इन द सेम वे आप यहाँ पर बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर सेल में अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज अगर सेट करनी है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मैं लिखा str और jpg। अब देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए फर्स्ट इसमें भी देखिए ये जो स्टार वाली जो इमेज है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, थोड़ी सी अपीयर हो रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अलाइनमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं रो वाइज अगर आपको बोलूँ तो चलिए पहले इसे हटा देता हूँ और सिंपल इसका जो साइज है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अभी जो आपका जो टेबल का जो कंटेंट होता है, जो रो वाइज जो कंटेंट होता है वो आपका हॉरिजॉन्टली तो लेफ्ट अलाइन होता है, वर्टिकली सेंटर अलाइन होता है, यानी कि मिडिल में अलाइन होता है। तो हम ये दोनों ही अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बट वो अलाइनमेंट के लिए पहले मुझे यहाँ पर सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग मुझे यहाँ पर कम करनी पड़ेगी, तभी वो आपको प्रॉपर अलाइनमेंट शो कर पाएगा। अब देखिए इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, विड्थ और हाइट, जिससे कि आपको अलाइनमेंट प्रॉपर दिख जाए। ये देखिए, तो यहां अगर देखें तो हॉरिजॉन्टली ये लेफ्ट अलाइन है और वर्टिकली मिडिल अलाइन है। तो ये अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं जिसे हम लोग रो वाइज या सेल वाइज अप्लाई कर सकते हैं। वन इज अलाइन, जैसे मैंने यहां पे कर दिया राइट। तो क्योंकि आपने ये टी आर में अप्लाई किया तो पूरी रो का जो जितने भी सेल्स होंगे वो सारे आपके राइट अलाइन हो जाएंगे। ये देखिए, तो सिर्फ पहली रो पर ही अप्लाई होगा क्योंकि आपने रो वाइज काम किया है। बिल्कुल वैसे मैं यहां पर सेकेंड वाली रो में अलाइनमेंट कुछ और सेट कर देता हूं। मैंने यहां पर कर दिया अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, तो ये देखिए ये सेंटर अलाइन हो गया। देखिए इन द सेम वे आप यहां पर वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग वी अलाइन प्रॉपर्टी। तो मैंने ऊपर वाले में मैंने सेट कर दिया है वी अलाइन मीन्स वर्टिकल अलाइन, यहां पर मैंने सेट कर दिया है टॉप फर्स्ट रो में, और सेकेंड वाली रो में मैंने वी अलाइन सेट कर दिया है बॉटम। तो देखिए यहाँ पर तीनों में आपको अलग अलग अलाइनमेंट्स दिख जाएंगे। देखिए ये आपका सेल वाइज टॉप पे चला गया है, ये आपका सेल वाइज बॉटम में है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको मिडिल में दिख रहा है, मिडिल और लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मैंने लेफ्ट राइट किया हुआ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर में, और वर्टिकली टॉप में, और यहाँ पे वर्टिकली बॉटम में। तो आप वी अलाइन और अलाइन प्रॉपर्टी आप रो वाइज भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सेल वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल यही सारी चीजें आप लोग टीडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए टीडी में भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं।
तो यहां पे मैंने लिखा अलाइन, जो सेवन है उसका मैं अलाइनमेंट सेट कर रहा हूं, वो मैंने कर दिया है राइट, और वी अलाइन मैंने सेट कर दिया है टॉप। तो देखिए एक सेल का यहां पे अलाइनमेंट आपने सेट कर दिया, तो देखिए सेवन जो है वो यहां पे आपका मूव होके आ गया है, तो वर्टिकली टॉप है और हॉरिजॉन्टली राइट है, तो ये आपको राइट टॉप कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये तो था आपके सेल का मूवमेंट या आपके सॉरी कंटेंट का मूवमेंट विद इन अ सेल। अब यहां पे देखते हैं कि कंटेंट पर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो सिंपल है, जब भी आपको कंटेंट पर टेक्स्ट पे कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम लोग वही अपना फॉन्ट टैग अप्लाई करते हैं। तो देखिए वन का फॉर्मेट कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा फॉन्ट कलर इक्वल्स टू, मैंने यहां पर कर दिया, बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इसमें लाइट ब्लू है, तो ऐसे कोई कलर लेते हैं जो कि विजिबल हो जाए, तो मैंने यहां पर ले लिया इसको ब्लू। तो ये देखिए वन का जो कलर है वो यहाँ पे आपको ब्लू अपियर हो रहा है। थोड़ा इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने यूज किया साइज प्रॉपर्टी और साइज मैंने इसमें सेट कर दिया सेवन। तो यहां देखिए साइज इसका आपको बड़ा शो हो रहा है सेवन। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर यूज किया फेस, और फेस में मैंने यहां पर लिख दिया कुछ और, अप्लाई करके देखते हैं, ये सपोर्ट नहीं किया। पहले मैं इसका कंटेंट चेंज कर देता हूं, मैं इसमें लिख देता हूं वन। अब देखिए इसमें आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। तो मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया है कॉमिक सेंस एमएस, कॉमिक सेंस एमएस मैंने अप्लाई कर दिया है टेक्स्ट स्टाइल। तो ये देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको वही फॉन्ट अप्लाई करना है, और फाइनली आप यहां पे फॉन्ट क्योंकि कंटेनर टैग है तो आप इसको यहां पर क्लोज कर देंगे। तो ये था आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग विद इन अ टेबल। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है कि स्पैनिंग कैसे करनी है टेबल में। तो स्पैनिंग में हम लोग यहां पर मर्ज कर सकते हैं, या तो रोज को मर्ज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अपने सेल को स्पैन कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम वाइज स्पैनिंग कर सकते हैं। तो स्पैनिंग जो है वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे स्पैनिंग कैसे करनी है।